Hi friend, welcome to Digital India Advertising and Marketing. Friends, आज का ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो में बेसिकली तीन टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल ए स्मॉल सॉफ्टवेयर टू कीपिंग योर पीसी क्लीन एंड टू वर्क स्मूथ एंड फास्ट, ठीक है. और हाउ टू इंस्टॉल होला वीपीएन एक्सटेंशन इन क्रोम, वॉट इज द यूज ऑफ वीपीएन एक्सटेंशन, इसके बारे में भी बताऊंगा. और फिर जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि कल इवनिंग में यानी कि 21 अगस्त 2017 से और शाम के 5:30 बजे से विड्रॉवल स्टार्ट होने जा रहे हैं 5DM में, $5 Magic में, ठीक है. इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा. फिर जो आज हमारी मीटिंग थी, बहुत लोगों को पता होगा कि फेसबुक पर हम लाइव भी आए थे और उस मीटिंग में जो डिस्कशंस हुए उसमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो CEO हैं मिस्टर अभय राणे जी, उनके विजन क्या हैं और एज अ कोर टीम मेंबर मैं पर्सनली कैसा फील कर रहा हूँ इसको प्रमोट करने पर, ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊँगा, ठीक है. और आने वाले प्रोजेक्ट से किस तरीके से एक एफिलिएट मेंबर को भी यहाँ से कितनी बड़ी अर्निंग हो सकती है, तो ये सारे अपडेट्स हैं दोस्तों इस वीडियो में. आखिर तक इस वीडियो को देखिए और जो टेक्निकल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम आएगी, तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है दोस्तों. पहला जो हमारा टॉपिक है इसको हम कवर करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज हाउ टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, ठीक है. वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हमें हमारा PC क्लीन रखने में और स्मूथ और फास्ट चलाने में आसानी होगी. बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता है वो लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें. सॉफ्टवेयर का नाम है सी क्लीनर, ठीक है. जैसे ही आप टाइप करेंगे सी क्लीनर गूगल पर, तो या तो आप उनकी वेबसाइट से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं pdfoam.com से, या फिर फाइल हिप्पो है यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने फाइल हिप्पो की लिंक को ओपन किया हुआ है, यहाँ से आप इसका 14-day ट्रायल भी यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का काम ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो कैचेस कंप्यूटर में जमा हो जाते हैं, जो कुकीज़ जमा हो जाती है ना, इस तरीके की चीज़ें, जैसे आपने अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया है उसमें जो भी आपने सर्फिंग की है, तो सर्फिंग से होता यह है कि आपके कंप्यूटर में ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये सारी फाइल टेम्प्ररी स्टोर हो जाती है, तो उनसे भी जो रैम होता है कंप्यूटर का वो ज़्यादा यूज़ होने लगता है. इस वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है. एक तो ये वजह होती है कंप्यूटर स्लो होने की. इसके अलावा दोस्तों अगर सपोज़ कीजिए आप कोई वेबसाइट वगैरह लॉगिन कर रहे हैं और उस पर कुछ एरर आ रहा है, तो तभी आपको कोई कहता है कि आप हिस्ट्री क्लीन कीजिए, तो उसके दो तरीके हैं. इस सॉफ्टवेयर से भी आप उस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं. डायरेक्टली आप यहाँ पे रन क्लीनर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके ब्राउज़र से लेके कंप्यूटर से जो भी आपने यूज़ किया है वो उन सारी चीज़ों की हिस्ट्री और ऐसी कोई भी चीज़ें जो कुकीज़ वगैरह की तरह कंप्यूटर में स्टोर हो गई होंगी वो सारी चीज़ें यहाँ से यह सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से डिलीट कर देगा. अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उसमें, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि उन एप्लीकेशंस में से क्या चीज़ें आपको जब ये स्कैन करेगा तो डिलीट करनी है. स्पेशली हम जब कोई ब्राउज़र को क्लीन करना चाहते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे गूगल क्रोम है, तो मोस्टली देखिए इन सारी चीज़ों को टिक होना चाहिए, इंटरनेट कैचेस पर, इंटरनेट हिस्ट्री, कुकीज़, डाउनलोड हिस्ट्री, सेशन, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली टिक होनी चाहिए ताकि जब भी आप डिलीट करो
तो कंप्यूटर से ये सारा डेटा डिलीट हो जाए। इसकी वजह से भी दोस्तों बहुत बहुत बार देखा गया है कि एरर जो आपको आ रहा है, और हो सकता है किसी और की कंप्यूटर में वो एरर ना आ रहा हो, तो आपको लगेगा यार मेरे कंप्यूटर में क्यों आ रहा है। तो ये भी एक वजह होती है किसी पर्टिकुलर साइट को विजिट करते वक्त एरर आने की। तो ये सॉफ्टवेयर इसमें आपको बहुत काम आएगा, और आपके पीसी को भी ये सॉफ्टवेयर स्मूथ कर देगा। ठीक है, इसके इस्तेमाल आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, बहुत लोगों ने वीडियो बना कर रखी भी। मैं जस्ट यहाँ पे इसका इसलिए इस्तेमाल बता रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटेड है 5DM जो है हमारा, 5 डॉलर मैजिक। इसमें जो इशू आ रहा है, लोगों को साइट ओपन नहीं हो रही है बिकॉज सर्वर माइग्रेशन भी हुआ है। तो इसका जो मैंने टेक्निकली एनालाइज किया वो ये पाया कि इसमें आईपी एड्रेस का इशू है, लेकिन कुछ लोगों को हिस्ट्री वगैरह क्लीन करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो उनके लिए ये सी क्लीनर बेस्ट सॉफ्टवेयर है, आप इससे सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आपको रन क्लीनर पे क्लिक करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी हिस्ट्री कुकीज़ वगैरह है वो सब डिलीट हो जाएगी। तो ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है मैंने यहाँ से बता दिया आपको। सी क्लीनर लिखोगे गूगल पर तो आ जाएगा, या तो आप उनकी खुद की वेबसाइट से, या फिर आप फाइल इंफो की वेबसाइट से भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इससे आप अपनी कंप्यूटर की, अपने जो अलग अलग ब्राउजर्स हैं उन सारी चीज़ों की हिस्ट्री वगैरह क्लीन कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जब भी आप हिस्ट्री क्लीन कर रहे हो सारे सॉफ्टवेयर आपको रन कर देंगे, उसके बाद ही सी क्लीनर को रन करना है ताकि वो अच्छी तरीके से सारे सॉफ्टवेयर के जो कैचेस हैं, जो कुकीज़ हैं, उसको डिलीट कर दें। ये एक चीज़ का प्रिकॉशन रख लें। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है कि हाउ टू इंस्टॉल ढोला वीपीएन एक्सटेंशन इन क्रोम, व्हाट इज द यूज ऑफ वीपीएन एक्सटेंशन। जो होला वीपीएन है दोस्तों, अभी हो सकता है बहुत लोगों को साइट ओपन नहीं हो रही होगी 5 डॉलर मैजिक की। इवन मैं जब मुंबई में था अभी सुबह में, तो वहाँ पर मैंने ऑन किया तो मेरी वेबसाइट रन होने लगी, और यहाँ पर जब मैं भिवंडी पहुँचा फिर से तो वो साइट ओपन नहीं हो रही थी। हालांकि मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में ओला वीपीएन ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मैंने 2-3 बार रिफ्रेश किया तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ लाइव। ये देखिए 5DM का मेरा ये यूज़र आईडी है और पासवर्ड भी है इसमें। मैं लॉगिन करके देखता हूँ कितना टाइम लेता, लाइव देख रहा हूँ उसको। थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन अभी फिर से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस फेस में करना क्या है, मैं यहाँ पर ये जो होला वीपीएन है इसका यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से इसका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। ये एक्सटेंशन, एक्चुअली इस एक्सटेंशन को हम जब इंस्टॉल करेंगे तो ये क्रोम में यहाँ पे दिखाई देगा। ये करता ये है दोस्तों, अलग अलग कंट्रीज का जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है इस पर हमारी साइट को ये ओपन करता है अगर हमें किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से प्रॉब्लम आ रही है। अभी जैसे यहाँ यूनाइटेड स्टेट है, मैं इसको चेंज करता हूँ यूनाइटेड किंगडम। प्रैक्टिकल यूज़ बता रहा हूँ उसके, इसका किस तरीके से होगा। मैंने कुछ देर पहले यूज़ किया था, ओला से साइट ओपन हो गई थी और लॉगिन वगैरह सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। अभी फिर से प्रॉब्लम आई है, अभी आपके सामने फिर से मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया यूनाइटेड किंगडम, रीलोड हो रही है साइट। ठीक है, तो अब ये यूनाइटेड स्टेट से हमारा जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है वो चेंज हो गया है यूनाइटेड किंगडम पर। इसको लोड होने देते हैं। देखिए फिर तो से ये साइट अब लोड हो गई है। मैं यहाँ पर अपनी जो मेन आईडी है उसको फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अब क्या होता है। इससे पहले मैंने ट्राई किया था दोस्तों, लॉगिन हो गया था, कोई प्रॉब्लम। देखिए फिर से अब मैंने ट्राई किया तो ये तुरंत लॉगिन हो गया। तो अगर कभी आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, तो आप यहाँ पर इजीली कंट्री को अलग कंट्री को चूज़ करके फिर से पेज को रीलोड होने देंगे,
जैसे पेज रिलोड होगा तो माइट भी एक या दो बार आप चेंज करेंगे। जैसे मैंने यूनाइटेड स्टेट से यूनाइटेड किंगडम किया, अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको दोस्तों, बहुत सारी कंट्रीज़ है। मैं बेसिकली ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम और इंडिया, इन तीन को ही यूज़ करता हूँ, इसमें अक्सर मेरा काम हो जाता है। इसका यूज़ क्या है, अभी मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करके भी दिखा दिया, लेकिन यहीं पे मैं ये टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ VPN एक्सटेंशन। VPN एक्सटेंशन यानी कि वर्चुअल, VPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। इसका यूज़ ये है, सपोज़ करो कोई साइट इंडिया कंट्री में बैन हो चुकी है, कोई वेबसाइट, जैसे सपोज़ करो यूट्यूब अगर यहाँ पे बैन हो चुका है, तो इंडिया के जितने भी आईपी एड्रेस होंगे वहाँ से अगर आप लॉगिन करने की कोशिश करोगे अपने कंप्यूटर से या अपने सेल से, तो उस आईपी एड्रेस पर वो वेबसाइट कभी नहीं खुलेगी, बिकॉज कंट्री ने उसको ब्लॉक किया होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी साइट हो, अगर वो आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई एरर दे रही हो, ज़्यादातर जो इस एरर का जो कोड होता है वो 503 नाम से अगर कोई एरर आ रहा है, आप किसी वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि ये आईपी एड्रेस का प्रॉब्लम है। तब आप यहाँ पे इस एक्सटेंशन को यूज़ करके उस वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इस एक्सटेंशन को हम अपने क्रोम या ओपेरा वगैरह जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसमें किस तरीके से आप ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है होला VPN एक्सटेंशन। तो देखिए ये क्रोम का वेब स्टोर वगैरह यहाँ पे लिख के आ गया है, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ऑलरेडी मेरे यहाँ पे होला एडेड है, तो फिर भी देखते हैं क्या होता है। देखिए एक्सटेंशंस बार खुल गया, ठीक है, ये ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी एडेड है। आपको करना ये है, जब आप इस तरीके से खोलेंगे ऐड टू क्रोम पर आपको क्लिक करना है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके क्रोम में, ठीक है, ब्राउज़र में। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाने लगेगा, ठीक है। आप अगर इसको ऑन रखेंगे तो ये ऑन होगा, अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ये जो पावर बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ, ज़्यादातर मैं इसको ऑन रख करके ही सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छा सॉफ्टवेयर है, अच्छा एक्सटेंशन है VPN, इसको ये लोगो याद रखिए होला VPN, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है और इस तरीके से हमारे क्रोम के एक्सटेंशन में इसको ऐड कर देना, ठीक है दोस्तों। जब ऐड हो जाएगा तो चेक कैसे करना है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो एक बार आप ये सेटिंग्स में आइए, मोर टूल्स में आके एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे, जितने भी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो सारे एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखिए ये अनेबल है होला VPN, तो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप गेट मोर एक्सटेंशन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से ही गूगल पे सर्च ना करते हुए यहाँ से ही आप इसको सर्च कर सकते हैं होला VPN। अभी मैंने इसको सर्च किया, एंटर दबा दिया, तो देखिए पहला ही आ रहा है होला VPN, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऑलरेडी ये एडिट है, तो अब मैं इसको रेटिंग दे सकता हूँ यहाँ से। खैर मुझको अभी रेटिंग नहीं देनी है, जब एडिट नहीं रहेगा तो आपको ऐड पर क्लिक करना है, ऑलरेडी वो ऐड हो जाएगा। तो ये है होला VPN का यूज़, मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया किस तरीके से साइट ओपन नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कंट्री को चेंज किया यहाँ से तो ऑटोमेटिकली साइट ओपन हो गई, ठीक है दोस्तों। साइट बहुत ही फास्ट चल रही है और मतलब मेरे हिसाब से जो पहले लोगों को शिकायत थी कि साइट स्लो चल रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, साइट फास्ट हो रही है। देखिए मैं कल्चर सॉल्यूशन पे क्लिक किया हूँ, हालांकि यहाँ इंटरनेट की जो सर्विस है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है, फिर भी पहले से काफ़ी फास्ट हो गया है, अभी फिर भी थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैंने अभी कुछ टाइम पहले ऑफलाइन मतलब वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक किया था तो काफ़ी फास्ट चल रही थी साइट, ठीक है। फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ,
देखते हैं कितने टाइम में फिर से बैक आता है। और VPN आप जब यूज़ करते हैं तो उसको तो ऑलमोस्ट आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी 25-30% नेट की स्पीड कम हो जाती है, उसके हिसाब से फिर भी ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये भी काफ़ी बेटर चल रही है सारी, और जिनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही उनके लिए तो बहुत ही स्मूथ चल रही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये चीज़ बतानी थी, होप करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। पर इसके इस टॉपिक को आप कवर करते हैं कि 5DM $5 मैजिक जो 10 अगस्त 2017 को लॉन्च हो चुका था उसका विड्रॉवल कल से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कल 5:30 बजे शाम में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से स्टार्ट किया जाएगा। उसको जो छोटे मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम रह गई है वो कल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, कल आफ्टरनून तक। सबको पता था कि सैटरडे को सर्वर माइग्रेशन कर दिया गया था, उसकी वजह यही थी कि मंडे को विड्रॉवल स्टार्ट करने थे। CEO सर का एक कमिटमेंट था, उन्होंने पोस्ट भी किया था इस बारे में। जो लोग यहाँ पर फेसबुक पर अगर ग्रुप में होंगे उन्हें पता होगा $5 मैजिक के सर ने पोस्ट किया था। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए सैटरडे को सर्वर माइग्रेशन किया गया, और उसमें 12 घंटे लगते हैं ये देख कर कि सर्वर माइग्रेशन किया गया। और अब जो 80% से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और कुछ 10-20% जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम भी कल दोपहर तक ठीक हो जाएंगे। तो कल से आप विड्रॉवल लेना स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जिन लोगों को विड्रॉवल लेना है अभी मेरे ध्यान में आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, उनको अपने अकाउंट में प्रोफाइल में जा करके जो वॉलेट एड्रेस है बिटकॉइन का वो अपडेट करना है। अगर इन्होंने नहीं किया है वो यहाँ पे आ करके वॉलेट एड्रेस अपना बिटकॉइन का ऐड कर दे, जिस पे आपको बिटकॉइन रिसीव करनी है वो वाला एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखें आप। यहाँ पे आपको अपने बिटकॉइन का एड्रेस, जो रिसीविंग वॉलेट एड्रेस है, चाहे वो ब्लॉकचेन का हो, चाहे कॉइन पेमेंट का हो, चाहे ZPay का हो, यूनो कॉइन का हो, या कोई अल्टकॉइन एक्सचेंजर भी हो जैसे पॉलोनिक्स बिट्रेक्स वगैरह, जहाँ पे भी आपको आपके बिटकॉइन रिसीव करने हैं उसका एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर देना है, ताकि जब आप विड्रॉवल करो तो वो यहाँ पे आपके एड्रेस पे प्रॉपरली चला जाए। तो ये भी चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और मेरे हिसाब से 5DM के बारे में जो आज मीटिंग हुई है हमारी, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। जो हमारे भी कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू 5DM, प्रैक्टिकली अब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो टेक्निकल इश्यूज थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं। ऑलमोस्ट इसका सलूशन हो चुका है, और जो आने वाली टाइम में जो विजन है हमारे CEO मिस्टर अभय राणे सर का, उस विजन को उन्होंने और भी आज क्लियर किया। बहुत ही अच्छा लगा एज अ को टीम मेम्बर, मैंने खुद पर्सनली मैं फील करता हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं जो और भी लोग हैं को टीम में, इम्तियाज सऊद और जमीर भाई जितने भी लोग हैं सब ने आज बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए यहाँ से एक बोलते हैं ना एनर्जी ली है। और उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि जब हमने कुछ डिस्कशंस ऐसे किए आगे के लिए और उस डिस्कशंस में बहुत सी अपडेट्स अब आ रही हैं, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट पे 5DM काम करने जा रहा है, उन प्रोजेक्ट की वजह से जितने भी एफिलिएट्स हैं उनकी अर्निंग कंफर्म बढ़ जाएगी दोस्तों, बहुत अच्छी अर्निंग होगी, 10x अर्निंग, बहुत ज़बरदस्त अर्निंग है 6 मंथ में। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है बहुत लोगों को कि ये अर्निंग कैसे मिलेगी, क्या होगा,
बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं बैकग्राउंड में कि किस तरीके से ये लोग पे करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि आपको लालच दिया जा रहा है। एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसको अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो डेली 5-10% आप इनकम ले सकते हैं डेली। जैसे एक एग्जांपल दिया गया फूड इंडस्ट्री का, फूड इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर डेली बेस पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इस तरीके से क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो ऑल्टकॉइन के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से काम करें। विद इन अ मंथ लोग इसमें बोलते हैं ना कि ऐसे भी मौके आते हैं, और जब लोगों को स्ट्रैटेजी पता हो, सही गाइडेंस हो, सही सोर्स हो लोगों के पास, तो मैं समझता हूँ यहाँ से डेली आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से 5-10-20% इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमको आज और भी पता चली, और भी डिस्कशंस हुआ आने वाले प्रोजेक्ट्स पर। तो मैं बहुत खुश हूँ ये जान करके किस तरीके से 5DM 5 डॉलर मैजिक ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से CEO मिस्टर अभय राणे जी इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए डेडिकेटली पूरे तरीके से लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को लाइटली ना लें। आपके कल से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लोग नेगेटिव है यार, क्यों अर्निंग नहीं आ रही है, आज मैंने 8 दिन से आईडी लगा दी है, कोई 5 दिन से आईडी लगा चुका है। तो दोस्तों इसमें मैं ये कहूँगा कि आपको अर्निंग के लिए कुछ टाइम रुकना पड़ सकता है, लेकिन जब भी आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी तो वो अर्निंग कंटिन्यू रहेगी मोस्टली। कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज या कुछ सिस्टम में जो चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वो चीज़ें अगर नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग रुकेगी। लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन जो 180 डेज का है, इसमें CEO सर की तरफ से आज भी यही कमिटमेंट रहा, और उसको हमने जब समझा तो ये चीज़ समझ में आई क्लियरली हमको। मुझे पर्सनली ये चीज़ समझ में आई कि हाँ 180 डेज में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अगर किसी को 30 डेज तक भी, मैं सोच रहा हूँ कि 30 दिन भी अगर अर्निंग किसी की नहीं आ रही है, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ मैं, वैसे 10-12 दिन में ऑलमोस्ट अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर किसी को 30 दिन तक भी अर्निंग नहीं आती है तो आने वाले 5 महीने में यानी 150 डेज में उसके जो पैक्स हैं, जो 5 डॉलर के पैक्स हैं, वो $50 पर मैच्योर कर जाएंगे। इस तरीके की पूरी स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी देखने और समझने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ। तो दोस्तों आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक कि ऐसे प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप भी इसमें लगे रहें, ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। जो लोगों ने अलग अलग एड रेव शेयर में इन्वेस्टमेंट करके लॉस खाया है, जैसे मैंने खुद पर्सनली कई जगह पर पैसा लगा करके गलत गाइडेंस में आया मैं, तो उस वजह से लॉस को मैंने फेस किया, लेकिन कुछ खोने के बाद ही कुछ पाने मिलता है। तो कुछ खोकर कुछ पाने जो मिला है वो सबसे पहले इनिशियली मैं ये कहूँगा कि मैंने क्रिप्टो इंडस्ट्री को पाया। उसके बाद जो बड़ी चीज़ मिली है दोस्तों वो है 5 डॉलर मैजिक एज अ प्रोग्राम, एज अ रेवेन्यू शेयर, एज अ मैट्रिक्स प्रोग्राम। मैं कहूँगा जो सबसे अब तक का बेस्ट प्रोग्राम मेरे नज़र में है, स्टार्ट हुआ, इवन विड्रॉल स्टार्ट नहीं हुए, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इसके विजन, इसके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे हैं, अच्छे चलेंगे जहाँ तक मैंने देखा और समझा है। इस वजह से मैं इस 5DM 5 डॉलर मैजिक को एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत लोग अभी भी सोच रहे हैं कि विड्रॉल आएगा नहीं आएगा, डर भी है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिविटी नेगेटिविटी
इंडस्ट्री में चली हैं, एड रेवेन्यू शेयर्स आ रहे हैं, अलग अलग लोग एड रेवेन्यू शेयर, सबको पता है कि 6 महीना साल भर जो प्रोग्राम चलते हैं लीडर्स इसमें कमा लेते हैं, और जो लोग सिर्फ एज ए इन्वेस्टर इसमें पैसा डालते हैं वो कुछ भी नहीं कमा पाते। तो उन सारी चीज़ों से हटकर ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं देखनी है और अर्निंग आपको अच्छी होगी एज ए इन्वेस्टर, आपको अर्निंग ज़बरदस्त होगी। आप यहाँ पे चाहे तो $5 से भी शुरुआत करके देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है $500 $1000 से आप स्टार्ट करें, $5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी अर्निंग लेनी है तो मेरा रिकमेंडेशन है $360 से आप यहाँ पे स्टार्ट करें या $600 से, और मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं 4 से 5 वीक में आपका जो है सीड मनी आप कवर कर लोगे। बहुत बहुत मतलब कि 1.5 महीना लगेगा, 1.5 महीने में आपको आपका सीड मनी कवर हो जाएगा मेरे कैलकुलेशन से। ये कोई कंपनी का कमिटमेंट नहीं है, मैं मेरा पर्सनल कैलकुलेशन दे रहा हूँ। तो इसके बाद जो आप कमाओगे वो आपकी अर्निंग ही होगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पता चली होगी, सीखने मिली होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोशिश करेंगे कुछ अपडेट्स के साथ, और कुछ नई अगर इंडस्ट्री में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो उसको भी आपके सामने रखेंगे DIAM के माध्यम से, डिजिटल इंडिया एडवर्टाइजिंग के प्लेटफॉर्म से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट।